अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला अपना फजल और करम आप पे बनाए रखे। आज की वीडियो में मैं आपके बताने वाली हूँ कि किस तरह आप पाउडर वाली ब्लीच अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और अपनी ब्लीच के इफ़ेक्ट्स को 100% बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लीच पाउडर लेंगे। कलर प्रो का हमने ब्लीच पाउडर लिया है थोड़ा सा। जितनी मकदार में पाउडर लेंगे उससे डबल में हम डिवेलपर इस्तेमाल करेंगे। कलर प्रो का ही वॉल्यूम 10 डिवेलपर हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। आप लोग किसी भी अच्छी कंपनी की ब्लीच जो भी आपको अच्छी लगे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग कलर प्रो की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इनका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। डिवेलपर और पाउडर के बाद इसमें स्किन पॉलिश हम डर्माकॉस की शामिल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। उसके बाद टैल्कम पाउडर जाएगा इसके अंदर। टैल्कम पाउडर जो है वो आपकी ब्लीच के वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स को बहुत बढ़ा देता है और आपको एक्स्ट्रा फेयरनेस देता है। सूदिंग लोशन जिस कंपनी का आप चाहें, किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर लें। और एक चम्मच चिल्ड वाटर ठंडा पानी शामिल करने से एक तो आपको एक्स्ट्रा फेयरनेस भी मिलेगी और दूसरा आपकी स्किन पर इचिंग नहीं होगी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी स्टेन्स जो हैं वो बाकी नहीं रहें और तमाम अगज़ा जो है हमारा वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ब्लीच हमारी अच्छे से यकजान हो जाए। तो अच्छे से ब्रश की मदद से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम लोग इसको फौरन अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए आप, अच्छे से मिक्स हो गई है हमारी ब्लीच। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ब्लीच को फौरन अप्लाई नहीं करें बल्कि उसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दें। आप देखें रिज़ल्ट हाथों का पहले, उसके बाद अब हम इस पर क्लिनजिंग मिल के जो है वो अप्लाई कर लेंगे प्रॉपरली। आपने अपने फेस पे भी ऐसे ही अप्लाई करना है, सर्कल मोशन में नीचे से ऊपर की तरफ। आपने अच्छे से अपने फेस पे पहले क्लींजर इस्तेमाल करना है, इसको अच्छे से अप्लाई करें। प्रॉपरली पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आप इसको किसी भी टिश्यू या वाइप की मदद से वाइप आउट कर लें। अच्छे से वाइप आउट हो चुका है, अब हम उस पर ब्लीच अप्लाई कर लेंगे। ब्रश की मदद से ही आप अपने फेस पे अच्छे से ब्लीच अप्लाई कर लें प्रॉपरली, कोई भी जगह रह नहीं जाए, अच्छे से अप्लाई करें। ब्लीच अप्लाई करने के बाद अगर आपको आपके फेस पे पूरे फेस पे या किसी भी जगह जलन फील हो रही हो तो वहाँ पर आप सूदिंग लोशन सर्कल मोशन में उससे सूदिंग लोशन से मसाज कर लें, इससे आपको इचिंग नहीं होगी। अगर पूरे फेस पे फील हो रही हो तो पूरे फेस पे अप्लाई कर लें, उसके बाद आप इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप चेक कर लें और दोबारा ब्लीच अप्लाई कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप लोग 15 मिनट इंतज़ार करें, बाद लोगों को जल्दी रिजल्ट हासिल हो जाते हैं 5 से 7 मिनट में। तो आप पहले चेक कर लें और उसके बाद आप दोबारा प्रॉपरली ब्लीच अप्लाई करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। प्रॉपरली अप्लाई हो चुकी है, अब हम इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं जनाब और अब हम इसको वाइप आउट कर लेते हैं। रिजल्ट्स जो हैं हमारे वो आपके सामने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर अप्लाई करें इस रेमेडी को अपने फेस पे। इंशाल्लाह बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपको इसके हासिल होंगे। देख सकते हैं आप, रिज़ल्ट तो आपके सामने हैं, ये देखिए। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।